चित्तेश्वर डिपेंडेबल पुजारा चिते हुए थे और भारत को एक सुरक्षित छगा तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान था। 90 रन की शानदार पारी खेली और श्रेयस अय्यर नाबाद हैं 82 के अंदर, उनका बहुत लक अच्छा चल रहा है। भारत ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत के साथ और मुकाबले की पूरी तरीके से पहले दिन का खेल का करते हैं वर्णन का साथ। और भारत अगर टॉस जीता तो बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और केएल राहुल और शुभमन गिल जब आए तो केएल राहुल ने एक संभली में शुरुआत दी। 54 बॉल में 22 रन की एक पारी खेली केएल राहुल कप्तान ने। शुभमन गिल ने 40 गेंदों में 20 रन बनाया। उसके आगे मैं अभी कुछ कहूँ, उसके पहले बता देता हूँ कि भारतीय टीम ने टीम क्या खिलाई थी। केएल राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रविंद्र चंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज, ये थी भारत की टीम। और बांग्लादेश की टीम ने भी कुछ अच्छे खिलाए थे, अक्षर हमान, शंदोल, लेतन दास, शाकिबुल हसन, मुस्तफ़ी रहीम, यश अली, नजुर हसन, मेहंगी हसन मिराज, तबजुन इस्लाम अहमद और एबर्ट हुसैन के साथ उतरने का लिया फैसला और एक अच्छी गेंदबाजी करते नजर आई तबजुल इस्लाम, जिन्होंने 3 विकेट चटकाया, बड़े बड़े शिकार को अपने जाल में फंसाया। पहले थे गिल, फिर कोहली, फिर पुजारा को भी अपने जाल में फंसाया सबके साथ। और अब करते हैं चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने 203 203 बॉल खेलने के बाद बनाए कुल 90 रन और जिसके कारण भारत है अभी 278 के स्कोर पर 6 विकेट के नुकसान पर। कोहली कुछ बड़ा कुछ कर पाए नहीं, तीसरे मुकाबले जो ओडीआई का था शतक बना के ज़रूर घुसे थे लेकिन यहां सिर्फ 1 रन बना पाए वो। और उसके बाद ऋषभ पंत को भेजा तो ताबड़तोड़ अंदाज में खेला, 45 बॉल में 46 रन की एक शानदार पारी जिसके अंदर 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। और श्रेयस अय्यर द लकी पर्सन, द जिद का जो बहुत अभी अच्छे फॉर्म का से ज़्यादा उनके लक उनके साथ है, फॉर्म तो है, बैट गेंद लग भी रही है अच्छी लेकिन एक स्टंप में गेंद लगी लेकिन बेल्स गिरा नहीं, बच गए वो, एक कैच भी छूटा तो जीवन दान भी उनको कुछ मिले हैं। और उसके साथ 82 पर अभी भी है नाबाद। अक्षर पटेल 14 रन पर हो गए आउट आखिरी गेंद पर ये दिन के। और अब जब कल शुरुआत होगी मुकाबले की तब रविचंद्रन अश्विन आएंगे बल्लेबाजी करने और एबर्ट हुसैन ने 17 ओवर के अंदर 63 रन दिए। अकील अहमद ने 12 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट चटकाया। शाकिबुल हसन ने 12 ओवर में 26 रन दिए। तबजील इस्लाम ने 30 ओवर में 84 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मेहदी हसन मिराज ने 18 ओवर में 71 रन देकर 2 विकेट चटकाया। असल अली ने 1 ओवर में 7। शुभमन गिल का विकेट गिरा था 41 के स्कोर पर 13.2 ओवर में। केएल राहुल का विकेट गिरा 45.2 में 18.1 में। विराट कोहली का विकेट गिरा 48.3 19.3 ओवर में। ऋषभ पंत का विकेट गिरा 112.4 विकेट, जहाँ 31 ओवर में आया था उनका विकेट। चेतेश्वर पुजारा का 261 पर 84.2 ओवर में। अक्षर पटेल का 86.6 बॉल में उनका विकेट गिरा 278 के स्कोर पर। और अब क्या उम्मीद किए जाए कल के खेल से, अब उस पर थोड़ी डालते हैं नज़र। अगर भारत के 4 विकेट हैं बचे तो 4 विकेट पे लगभग भारत 350-400 तक पहुंच सकता है भारत। और वहां तक अगर पहुंचेगा तो एक अच्छी एक बल्लेबाजी का मुशायरा दिखाएगा। पिच अभी तक कुछ ज़्यादा खराब है नहीं, अभी आप बल्लेबाजी आप कर सकते हैं, अच्छी गेंद डालेंगे आपको विकेट मिलेगी। भारत 3 स्पिनर के साथ उतरा है, ये भारत की एक अच्छी चाल मुझे लगती है। जो फैसला क्या सही है गलत है वो कुछ हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन ये जो अंत का खेल है इससे अभी ये पता चल रही है कि कल पहला इनिंग पहला
सेशन या दूसरा सेशन के आधार पर भारतीय टीम अगर सलाटी आती है, फिर बांग्लादेश को बल्लेबाजी से अपना जोहर दिखाना होगा। और भारत जितना 300-350 रन जहाँ तक बनाएगी उतना तक बांग्लादेश मुझे लगता है कि पहुँच जाना चाहिए। लेकिन कल का जो खेल है उसमें यह है कि मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का शतक के पार वो पहुँचेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएंगे नहीं लेकिन शतक के पार ज़रूर पहुँचेंगे। और तजुल इस्लाम मुझे लगता है कि वो उनको शाम को 5 का विकेट उनके कॉलम में हो जाना चाहिए। यहाँ पर शक और कर बात है भारत की गेंदबाजी में, तो भारत की गेंदबाजी में मुझे लगता है कि भारत भी कल के दिन के अंत तक 2-3 विकेट बांग्लादेश का गिरा पाएगा। देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे थे क्रिकेट विद आर्यमन गोयनका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।